für mein major course. ठीक है, अब फेमाइन होता क्या है स्टूडेंट्स? फेमाइन कहा जाता है कहत को, ठीक है, कहत ज़्यादा जगह को या कहत वाले इलाके को हम फेमाइन कहते हैं. अब फेमाइन में क्या होता है कि कहत में, कहत चाहे किसी भी चीज़ का हो, किसी भी वजह से हो, किसी भी जगह पे हो, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट करेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. अब इसके अंदर हम देखते हैं कि फेमाइन के जो मेजर कॉज है, फेमाइन जो है वो मेजर कॉज है हमारे मालन्यूट्रिशन के अंदर. तो इसके अंदर डिफरेंट होता है कि हम लोग फ्लडिंग की बात कर लेते हैं या किसी डिजीज़ की बात कर लेते हैं, ड्राउट की बात कर लेते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं. तो इसके अंदर हम लोग फेमाइन को देख लेते हैं कि जो कहत होता है वो किस वजह से आ रहा है या वो किस चीज़ को लीड कर रहा है. सबसे पहले तो होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ठीक है. इसके बाद आता है ड्राउट, फिर आता है फ्लडिंग, फिर इसके बाद आता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स. अब ये मेजर कॉजेज हैं फेमाइन के, ठीक है. मेजर कॉज फेमाइन मालन्यूट्रिशन की है, और जो मालन्यूट्रिशन के फेमाइन है उनके जो कॉजेज़ हैं उनके अंदर ये फोर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, फोर टाइप्स हैं जिनकी वजह से फेमाइन आ सकता है, जिसकी वजह से एक जगह पे फेमाइन प्रेजेंट हो सकता है. सबसे पहले है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है कि हमारे पास, हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज होते हैं जो अंडर डेवलपमेंट होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होते हैं, ठीक है. दीज बोथ आर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है. अगर एक इस्टेब्लिश है और एक अंडर इस्टेब्लिशमेंट है या अंडर डेवलपमेंट है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो इस्टेब्लिश्ड हमारे पास कंट्री या हमारे पास इस्टेब्लिश स्टेट होगी, तो उसके अंदर हमारे पास जो फूड होगा वो सरप्लस होगा. सरप्लस होगा इसका मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर अमाउंट प्रेजेंट होगी. जब प्रॉपर अमाउंट प्रेजेंट होगी तो उसके जो सिटीजन्स होंगे उनके अंदर फूड की रिक्वायरमेंट प्रॉपर होगी, उनकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रॉपर होगी. On the other hand, where we are talking about that is under development, there is no surplus amount of food, there is no proper amount of growth and development to the citizens. ठीक है, जब हमारे पास एक सरप्लस अमाउंट नहीं है, हमारे पास एक प्रॉपर अमाउंट ही नहीं है, एक पूरी अमाउंट नहीं है जो हमारे लिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्प आउट कर सके, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जो हमारे पास सिटीजन्स होंगे, वो जो सिटीजन्स होंगे वो हम उनके कहत ज़्यादा होंगे, कहत ज़्यादा इलाके में होंगे, तो कहत ज़्यादा उनको जब चीज़ें ही नहीं मिल रही तो उनकी बॉडी तो प्रॉपर वर्कआउट कर ही नहीं सकती, उनको प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं प्रोवाइड होगी. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इस्टेब्लिश एंड अंडर डेवलपमेंट कंट्री के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि फूड की डिस्ट्रीब्यूशन जब प्रॉपर नहीं है तो ऐसे ही होगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे बहुत ज़्यादा कम, और जो कम ज़्यादा वाला रेशो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. उसके बाद होता है हमारे पास कि ड्राउट, ठीक है. अब ड्राउट क्या होता है कि हमारे पास वाटर जो होता है वो इतना इनफ नहीं होता कि हम अपनी एग्रीकल्चर को या एग्रीकल्चर हमारी फील्ड्स जो हैं उनके अंदर हम वाटर को प्रेजेंट कर सकें. एग्रीकल्चर नीड्स नहीं हमारी पूरी होती. जब एग्रीकल्चर नीड्स नहीं पूरी होती तो वो जो फसलें होती हैं वो ह्यूमन बीइंग्स को नुकसान देती हैं. नुकसान इस वजह से देती हैं कि जब उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो फसलें जो हैं वो खाद नहीं बनाएंगी, वो अपना जो काम है वो नहीं करेंगी. किस वजह से? कि जब ज़मीन जरहेज नहीं होगी, ज़मीन जरहेज नहीं होगी तो ना कोई सब्जी उगेगी, ना कोई फल उगेगा, कोई अनाज उगेगा. तो जब वो चीज़ उगे नहीं तो वो ह्यूमन बीइंग्स को भी नहीं मिलेगी, ठीक है. उसके बाद है फ्लडिंग. फ्लडिंग में क्या होता है कि अगर एक जगह पे फ्लड आ गया, हमारे पास रेनफॉल्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, इतनी ज़्यादा रेनफॉल्स हो गई हैं कि हमारी जो वाटर की अमाउंट है जितनी रिक्वायर है उससे बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उससे भी फसलें ख़राब होंगी, एग्रीकल्चर नीड्स हमारी
तबाह हो जाएंगी, हमारा जो वाटर की रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, हर तरफ पानी होगा, तो जो हमारा निज़ाम ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगा, निज़ाम ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। तो उसकी वजह से फ्लडिंग भी बहुत ज़्यादा हमें क्या करती है कि वो शॉर्ट टर्म फेमाइन तो होती है कि वो फ्लडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन वो नुकसानदेह तो बहुत ज़्यादा होता है ना, जिस टाइम के लिए होता है उसमें वो नुकसानदेह होता है। उसके बाद है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे इतने अमाउंट में इंक्रीज़ हो रही है, तो क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली एक चीज़ ज़्यादा होती है एक चीज़ कम होती है। अगर आपका प्रॉपर रेशो रहेगा तो आप हेल्दी रहोगे, लेकिन अगर आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी तो वो ऑब्वियसली किसी चीज़ किसी प्रॉब्लम को लीड करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम होती जा रही हैं, ठीक है। हमारे पास इतनी ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ नहीं है कि हम अपनी डे बाय डे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को अमाउंट में दे सकें, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भी हमारे फेमाइन को लीड कर रही है कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी और खाने वाले ज़्यादा होंगे और कमाने वाले कम होंगे, पकाने वाले कम होंगे, चीज़ें कम होंगी तो वो चीज़ें कम होंगी, और ज़्यादा लोग होंगे तो वो किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। तो ये एक कहत वाली स्टेट है, कहत ज़्यादा जगह या कह ज़्यादा इलाके की स्टेट है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है एक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, ठीक है। यहाँ तक था आप लोगों का, ठीक है, ये टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इस चैप्टर का मेजर टॉपिक है।